गोंदिया जिले में कुछ दिनों से चावल घोटाला एवं धान घोटाला बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, जिस पर लगाम लगाने में सरकार ने थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की है, फिर भी किसानों की लूट करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील के ग्राम बागोली में स्थित जय किसान खेती उद्योग साधन सामग्री पुरवठा एवं खरीदी बिक्री सह संस्था मर्यादित बागोली पोस्ट परसावड़ा में देखने को मिला है। इस सोसाइटी में जो किसान धान बेचने आते हैं, उन किसानों की लूट की जाती है। सोसाइटी के कांटे में गड़बड़ी होने का आरोप किसानों ने लगाया है। उनका कहना है कि धान के बोरे को कांटे पर तोलने के लिए रखते हैं और 4 किलो धान कम भरता है। इस तरह की लूट सोसाइटी सदियों से करती आ रही है। किसानों की लूट करने वाली ऐसी सोसाइटी को तत्काल बंद किया जाए ताकि किसानों की लूट ना हो पाए। सोसाइटी बंद नहीं की गई तो आंदोलन करने की चेतावनी किसानों और सामाजिक संगठनों ने दी है। मैं गुनवाड़ी का रहने वाला हूँ। मैंने पिछले कुछ दिनों पहले बगोली सोसाइटी में धान दिया था, जो मेरे 80 बोरे थे, जिसमें मेरा माल 69 क्विंटल 91 किलो भरा, जिसमें अभी अभी पता चला है कि क्विंटल के पीछे 4 किलो का घापा है इसमें। और सोक की जिस तरीके से बात की है, पहले उन्होंने 4 प्रति क्विंटल 4 किलो की बात की थी, अभी डल के मारे उन्होंने 2.5 किलो की बात की क्विंटल के पीछे। बगोली सेंटर पे धान जो लेके गया था, तो उस वक्त में 4 गाड़िया खड़ी थी। 4 गाड़िया करने के बाद में जो एक गाड़ी चालू थे, उसमें हमको तो उस कांटे का कुछ अनुभव नहीं, हमको कुछ नॉलेज नहीं, मगर हमारा एक सिकंदर था सेजगांव का, उन्होंने तो उसने बोला भैया कांटे में फॉल्ट है, तो उसने चेक किया, तो मेरे नजर के आगे पहला बोरा 82 kg आया, और फिर उसको बंद करवाने लगाया, काटा बोरा उठाने लगाया हमारे को, और वही बोरा रखा तो फिर वो 86 kg भरा। ये 4 किलो का अंदाज मेरे नजर के आगे देखने में मिला। काटे चेक की उसके ऊपर के भी क्या काटा चेक किया, ये मेरे आगे की बाजू है होना चाहिए, ये मुझे काश्तकारों के कोई माँ बाप नहीं है। राणा रेखोडी, माझ्याकडे पिकअप आहे, मी पिकअप धरून गेलो होतो बगोली सोसायटीमध्ये, धान नेलो होतो की शेतकऱ्याचे, तर मी काटाजवळ राहिलो उभा, तर मला मी काटा होत होता तर पाहत होतो, तर मला वाटला का ह्या काट्यामध्ये सेटिंग आहे, कारण की मी पुष्कळ काटे बघतो, तर मला एक्सपिरियन्स आहे हे काट्याच्या का सेटिंग आहे की नाही आहे, तर मला समजून जाते, तर मी म्हटलं त्यांना का तुमच्या घाटामध्ये सेटिंग आहे, तर ते म्हणत होते नाही आहे नाही आहे नाही आहे, मी म्हटलो आहे आहे आहे, तर ते मानत नव्हते, तर मग मी म्हटलो बोरात मानून टाका, तर मग हे त्यांना रंग्यात पकडलो। माझ्याजवळ व्हिडिओ क्लिप आहे, तुम्ही पाहू शकता, माझ्याजवळ पूर्ण एव्हिडन्स आहेत त्याचे। मी पहिल्यांदा मीनं बोरा त्याला मांडा लावलो ना, तर त्याच्या मिनिमम 82 kg भरला होता बोरा, मग तो थोड्या वेळाच्या नंतरच 82 भरला ना, तर 86 भरत होता, पहिले मायनसमध्ये होता, मग तो प्लसमध्ये म्हणजे मायनसमध्ये करून ठेवला ती गाठा, ऑलरेडी 4 किलोच्या लॉसमध्ये। उमेश गुप्ते बोल रहा हूँ मैं। हमारे से घटना घड़ी थी पहले दिन, यानी परसों की बात, यानी ये तारीख आ रही है आपकी 30 तारीख। 30 तारीख को हम लोग गए थे, तो 30 तारीख को मेरे बड़े भाई गए थे, तो उसमें उनको पहले पूछे कि हम लोग माल लेके आए या ना लेके आए, तो उन्होंने बोले हमको माल लेके आओ, हम लोग माल लेके गए वहाँ पे। उसके बाद में हम माल लेके गए तो वहाँ 3-4 गाड़ी खड़ी थी खाली हुई, उसके बाद में हमारा माल का नंबर लगा, तो हमारे लोग तैयार नहीं थे, उनको हमने एडजस्टमेंट किए, तो वो बोले धान हमारा डाल दो, तो फिर हमारा 8 बोरे काटे हो गए थे। 8 बोरे काटे होने के बावजूद वो राजेंद्र पटले का भाई है जयचंद, तो उसने बोला कि अभी काटा बंद करो, हाँ उन्होंने बोले कि एडजस्ट कहाँ से भरेंगे काश्तकार, ये सभी काश्तकार ने जागरूक होना चाहिए, के बावजूद उसने काटा बंद करवाया, हाँ और काटा बंद करने के बाद में फिर हमारा वही 8 बोरा ट्रैक्टर पे चढ़ा, वो तो घटना हुई। उसके बाद में जो कल घटना हुई है, जो हमको ये वीडियो शूटिंग जो किए हमने देखे आज, हमारे गोल मॉडिंग पूरा गोल मॉडिंग देखे है। NBCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।